नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी एएससी सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो आप यहाँ कब से कब तक अप्लाई कर पाइएगा, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ से आप नेम ऑफ पोस्ट, पे मैट्रिक्स लेवल और यहाँ कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांट दिया गया है। अगर आप कुक के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 1900 रुपया आपको मिलेगा। ओनली मेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स आपको 2 का मिलेगा और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 रखा, जिसमें से एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 रखा गया। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ 1900 मिलेगा। ओनली मेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3 है और यहाँ पेमेंट जो है लेवल 2 का मिलेगा। एमटीएस चौकीदार के लिए अप्लाई करते हैं तो 18,000 पेमेंट मिलेगा और यहाँ 2 वैकेंसीज रखा गया है। ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करते तो 18,000 का पेमेंट है, 8 वैकेंसीज। व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई करते तो 1 वैकेंसीज है, लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। सिविलियन मोटर ओनली मेल कैंडिडेट 19,900 पेमेंट है, 9 वैकेंसीज है, लेवल 2 का पेमेंट। क्लीनर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ लेवल 1 का पेमेंट, 4 वैकेंसीज। टोटल यहाँ 30 वैकेंसीज रखा गया है। फिर अगर आप लीडिंग फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो 21,700 यहाँ पे है और लेवल 3 का पेमेंट मिलेगा, 1 वैकेंसी। फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो 30 वैकेंसीज है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10, तो ग्रैंड टोटल मिलाइएगा तो 71 वैकेंसीज यहाँ रखा गया है और यह कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है वैकेंसीज को। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैट्रिक पास किया हुआ होना चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज, आपको इंडियन कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक पास हुआ होना चाहिए, उसके साथ ही आपको डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कैटरिंग का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग का। एमटीएस चौकीदार के लिए भी आपको यहाँ पे मैट्रिक पास किया हुआ होना चाहिए और आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए ट्रेड वर्क में। ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक पास होना चाहिए। व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, कैपेबल ऑफ रीडिंग नंबर, नेम, टूल, व्हीकल्स बोथ इन इंग्लिश हिंदी में आपको पढ़ने आना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिक पास मांगा गया है, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए बोथ हेवी और लाइट मोटर व्हीकल का। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया। क्लीनर के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक पास मांगा गया। फायर इंजन के लिए आपको मैट्रिक पास किया हुआ होना चाहिए और 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक पास मांगा गया। यहाँ से आप एज देख सकते हैं, CCI, कुक, क्लीनर, FED, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, MTS चौकीदार, ट्रेड्समैन के लिए आपका मिनिमम जो है 18 ईयर्स रखा गया, मैक्सिमम 25 रखा गया। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 रखा गया। यहाँ एज में आपको छूट भी मिलेगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे 3 साल तक का छूट मिलेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल तक का छूट मिलेगा और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 3 साल का छूट मिलेगा। यहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल इंग्लिश से आपका 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। सब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रहेगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। तो अगर आप एप्लीकेबल होंगे यहाँ अप्लाई करने के लिए तो यहाँ जल्द से जल्द जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये फॉर्म का लास्ट डेट जो है 2 फरवरी है और ये फॉर्म 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है।